जान है तो जहान है के इस नए एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, इस नए एपिसोड में हम आपसे बातें करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, प्रोस्टेट और उससे जुड़ी हुई समस्याएं। प्रोस्टेट का के बारे में जिक्र करने के पहले मैं अपना दायित्व समझता हूं कि एक बात आपको बतलाऊं कि आजकल इन दिनों ज़्यादातर लोगों को अपने गुर्दे के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंता होती है। बार बार पेशेंट अपने डॉक्टरों से पूछते हैं कि उन्हें उनका किडनी तो ठीक है, किडनी तो फेल नहीं हुआ है। इस क्रम में अच्छी बात यह है कि किडनी की अपनी बीमारियां कम होती है और किडनी ज़्यादातर हमारे शरीर में अन्य रोगों के कारण ज़्यादा इफेक्टेड होती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसको भी किडनी की समस्याएं, किडनी ख़राब होने की संभावना रहती है। बीपी के पेशेंट हों, अनकंट्रोल्ड बीपी रहता हो तो उसके भी कारण किडनी डैमेज होता है। और प्रोस्टेट की साइज ज़्यादा बढ़ गई हो और ख़ास तौर से ये यूरिन के निष्कासन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा हो तो भी किडनी काफ़ी इफेक्टेड होती है। किडनी की समस्याओं का उपचार बहुत आसान हो जाता है। इसमें संदेश एक छिपा हुआ है कि अगर हम अपने डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखें, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें और प्रोस्टेट के साइज ऐसा कंट्रोल करें दवा से या किसी अन्य बातों से कि वो हमारे पेशाब के उतरने पर रुकावट नहीं पैदा करे, तो किडनी को क्षतिग्रस्त होने से हम काफ़ी संख्या में बचा सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ मैं डायबिटीज़ और बीपी के बारे में पहले अपने अन्य एपिसोड के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। आज मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा प्रोस्टेट और उससे जुड़ी हुई समस्याएं, क्या भ्रम है और क्या सही उपचार होना चाहिए। जहाँ तक लक्षणों की बात हम अगर करें तो कुछ केस में प्रोस्टेट के कोई भी लक्षण नहीं होते, कोई तरह की पेशाब की परेशानी नहीं होती है। जांच करने पर, अल्ट्रासाउंड होने पर या पीएसए की जांच होने पर ये लगता है पता कि इनके प्रोस्टेट का वॉल्यूम कुछ ज़्यादा हो गया है, रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा है। मगर ज़्यादातर लोगों में डॉक्टरी जाँच उस समय होती है जबकि कोई अपने पेशाब की समस्या हो। मसलन रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, या जब पेशाब करने के लिए वो व्यक्ति बैठते हैं तो उसकी पेशाब की धार काफ़ी पतली हो जाती है, पेशाब करने में रुकावट पैदा होती है, काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो या पेशाब करने के बाद उस व्यक्ति को ये महसूस हो कि मेरे पेशाब की थैली का मुकम्मल पेशाब अभी तक नहीं आया, बाहर कुछ कुछ बचा हुआ है। ये सब लक्षण है कि प्रोस्टेट की शिकायत या कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर या वॉइड करने की फीचर आपको है, आप में प्रोस्टेट की जांच होनी चाहिए। तो और ख़ास तौर से एल्डरली लोगों में जब कोई किडनी की बीमारियों के लक्षण लेके आते हैं तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ कहीं नॉर्मल से ज़्यादा या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों में अगर ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जाए तो किडनी की बीमारी उनकी ठीक होने की संभावना रहती है। इन सब बातों के जानने के बाद अगला ये उठता है प्रश्न कि हम कैसे समझें कि प्रोस्टेट मेरा सही है या प्रोस्टेट की कोई अपनी बीमारी। प्रोस्टेट में अक्सर तीन टाइप की बीमारियां होती हैं। पहला है कि सामान्य से इसका साइज बढ़ना, जिसको BPH के नाम से जाना जाता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। बेनाइन का मतलब होता है ये नॉन कैंसरस है, इस साइज का बढ़ना कैंसर नहीं है। और दूसरा है इन्फेक्शन, जिसको प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है प्रोस्टेटिक कैंसर। कैंसर शब्द सुनने में आदमी को भय होता है, मगर प्रोस्टेट कैंसर के साथ दो खास बातें हैं कि ये उतना कॉमन हमारे हिंदुस्तान में नहीं है जितना कि अमेरिका और अफ्रीका के देशों में है, और नंबर टू ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है।
ये बहुत फास्ट नहीं इसका होता है ग्रोथ, ये इमीडिएट जानलेवा नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर के साथ कुछ सालों तक आदमी की जिंदगी खतरे में नहीं रहती। लेकिन जो सबसे कॉमन अपना बीमारी हमारे यहाँ प्रोस्टेट की देखी जाती है वो बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, या इसको बीपीई भी बोलते हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। इसको पता करने के लिए कुछ जांचों का सहारा हम लोग लेते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है एक क्वेश्चनायर, उसका नाम है IPSS, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये पूरी स्कोर आपको स्क्रीन पर दिखलाई जा रही है, आप खुद से भी स्कोर इसका निकाल सकते हैं। अगर ये स्कोर 8 से 19 है तो मॉडरेट सिम्टम है, और सिम्टम स्कोर अगर आपका 20 से 35 स्कोर तक है तो ये सीवियर सिम्टम के रूप में जाएगा। ये एक क्वेश्चनायर है जिसमें 7 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि आपको पेशाब करने में रुकावट होती है कि नहीं, आप कितनी बार उठते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता है कि हमारी थैली में पेशाब रह गया, और सबको स्कोरिंग आपको करना पड़ेगा कि ये, और अगर आपको नहीं निकाल सकते हैं तो आपके डॉक्टर इस चार्ट से आपके स्कोरिंग निकाल के बतलाएंगे। ये सबसे आसान है और ये फर्स्ट स्टेप है प्रोस्टेट की संभावना है कि नहीं जानने के बारे में। दूसरी, जो अक्सर लोग प्रोस्टेट की अल्ट्रासाउंड अक्सर अपना कराते हैं, लोअर एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड, इसमें ये जानने के लिए कि प्रोस्टेट की साइज क्या है, 30 ग्राम से ज़्यादा है कि 30 ग्राम से कम। ज़्यादातर लोगों में जिनकी प्रोस्टेट 30 ग्राम से कम है उनमें अक्सर दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर उन्हें पेशाब की कोई तकलीफ नहीं। अगर 30 ग्राम से आपका प्रोस्टेट का की मात्रा ज़्यादा है और पेशाब की कोई तकलीफ होती है तो ऐसे लोगों में प्रोस्टेट की साइज घटाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो डॉक्टरी सलाह पर आप इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। मगर अल्ट्रासाउंड, जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की अपनी एक लिमिटेशन है, इसको बहुत एक्यूरेट लोग नहीं मानते हैं, इससे भी इस साइज भी देखा जाता है और रेजिडुअल यूरिन भी निकाला जाता है। रेजिडुअल यूरिन का मतलब होता है पेशाब एक बार फुल हो गया, पूरी पेशाब पेशाब की थैली भरने के बाद, पेशाब निकलने के बाद अल्ट्रासोनोग्राफर दोबारा आपका ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशाब की थैली में कितना यूरिन बच गया है, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल यूरिन। अगर 50 ml से कम है तो कोई डरने की बात नहीं, ये बहुत सामान्य बात है। 50 से 100 ml रेजिडुअल यूरिन है तो हल्की सी संभावना है, हालांकि जो लोग एल्डरली पॉपुलेशन है जिनके 60-70-80 साल उम्र है उसमें 100 तक भी रेजिडुअल यूरिन सामान्य बात है। मगर अगर 200 ml से रेजिडुअल यूरिन आपका बढ़ गया तो ये खतरे वाली बात है। खतरे के मतलब आपके पेशाब उतरने में रुकावट है, रुकावट का कारण जानना, रुकावट को दूर करना ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा उसके कारण हाइड्रोयूरेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण किडनी आपका क्षतिग्रस्त हो सकता है। मगर सबसे सेंसिटिव जांच है जो यूरोसर्जन अपनी उंगलियों से DRE करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। वो लोग प्रोस्टेट को गुरुद्वार से उंगलियों को लेके जा करके प्रोस्टेट की साइज के अलावा ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका फील कैसा है, स्मूथ फीलिंग है, इरेगुलर है, हार्ड है कि फर्म है, उसके अंदाज से वो लगाते हैं पता, या वो छूने से तकलीफ होती है कि नहीं पेशेंट। अगर स्मूथ है, तकलीफ नहीं होती है तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है। टेंडर अगर है तो इन्फेक्शन का खतरा है, जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। अगर वो हार्ड है या इरेगुलर है तो कैंसर होने की संभावना है। मतलब एक छोटी सी जांच, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, बहुत ही सेंसिटिव जांच है और ढेर सारे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डॉक्टरों को मिलते हैं, उसके पेशेंट के उपचार में काफ़ी हेल्पफुल है। एक और टेस्ट है जो बहुत पॉपुलर है, खून का जांच है, PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक तरह का प्रोटीन है जो प्रोस्टेट से सिक्रीट होता है।
1.4 एनजी तक ये नॉर्मल है, 4 से 10 के रेंज में माइल्ड कहा जाता है, 10 के ऊपर है तो इसको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, हाइपर प्लासिया है। अगर ये 100 से ऊपर हो गया तो कैंसर होने की भी संभावना होती है। इन सब बातों को जानने के बाद अब अगला होता है प्रश्न, शुड आई नीड एनी ट्रीटमेंट, और कोई उपचार की हमको आवश्यकता है। या हम यूं कहें कि हमें उपचार की आवश्यकता कब पड़ती, तो यहाँ पर यह साफ जानना जरूरी है कि अगर प्रोस्टेट आपका एनलार्ज है, रेजिडुअल यूरिन 50 से कम है और कोई तकलीफ नहीं है, न ज़्यादा रात में उठना पड़ता है पेशाब के लिए, न पेशाब उतरने में कोई तकलीफ है और न ही रुकावट होती है, तो आपको कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना चाहिए कि भविष्य में प्रोस्टेट आगे नहीं बढ़े, उसकी समस्याएं नहीं बढ़े। और एक अंत में कुछ टिप्स के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा, ख़ासतौर से ये उनके लिए है जो रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए, यूरिनल के लिए जाते हैं, वो पूछते हैं क्या करें, उनके लिए हमारे कुछ जवाब है। सोने के पहले पानी का कम इस्तेमाल करें, जो भी पानी पीना है सवेरे उठ के शाम होने तक जितना पानी आपको पीना है पी लीजिए, उसके बाद उसकी रफ्तार को घटाइए। शाम के बाद जब भी पानी पिए सिप में पिए, अराउंड 50 ml, आधा ग्लास पौन ग्लास या उससे भी कम पानी पिए। और कहीं बाहर जाना हो घर से तो भर पेट पानी नहीं फिकर के हल्का फुल्का पानी पी के जाएँ, क्योंकि अगर बार बार आपको पेशाब अर्ज होगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। चाय कॉफ़ी और अल्कोहल का इस्तेमाल शाम होने के बाद ना करें। अगर शाम होने के बाद चाय कॉफ़ी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रात में बार बार बाथरूम जाने के लिए, यूरिनल जाने के लिए आपको जाना होगा। दूसरी चीज़ है, कोशिश करें कि पेशाब लगे न लगे हर 2-3 घंटे के अंतराल पर बाथरूम जाएं, जो भी यूरिन हुआ है उसको पास करें कि काफ़ी वॉल्यूम में आप में पेशाब नहीं जमा हो। और जो मैंने आपको बताएं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें, सक्रिय रहें और हेल्दी भोजन करें। और अंत में मैं समझता हूँ कि प्रोस्टेट के बारे में जो भी भ्रम हैं काफ़ी हद तक दूर होंगे। मैं ये चाहता था कहना कि प्रोस्टेट छोटी मोटी समस्या होने पर थोड़ा सा साइज बढ़ गया, रेजिडुअल यूरिन थोड़ी सी अपना बढ़ गई, तो झट से ना दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की बात नहीं है, प्रोस्टेट से इमीडिएट कोई हानि नहीं जा रहा है। मैंने साफ साफ अपने गाइडलाइन के हिसाब से बताई हैं, प्रोस्टेट का साइज रेजिडुअल यूरिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपका लक्षण। अगर पेशाब की कोई समस्या आपके जीवन शैली को इफेक्ट कर रही है, आपको रात में नींद खराब हो रही है, इतना बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब में रुकावट हो रही है, आपको पूरा थैली खाली नहीं हो रहा है, अगर इस तरह की पेशाब संबंधी कोई समस्या हो, तो सिम्टोमेटिक आराम के लिए आप दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के अनुसार करते हैं। कभी कभी दवाओं के इस्तेमाल के बाद भी, एक दो दवाओं के बाद पेशेंट को राहत नहीं मिलती है, ऐसी केसेस में ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं टर्प। और ये बहुत ही मामूली सर्जरी है, कोई चीरफाड़ के नहीं होती है, पेशाब के रास्ते से एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लेकर के जो एक्स्ट्रा प्रोस्टेट है ये लोग छील के हटा देते हैं। तो लेकिन सर्जरी की आवश्यकता इन दिनों देखा गया है कि बहुत कम लोगों को पड़ती है, उन लोगों को जिसमें दवाइयाँ या इलाज कारगर नहीं है। और ये भी बात है कि अध्ययन से पता चला है कि जो लोग भी एक्टिव रहते हैं उनमें प्रोस्टेट की समस्या कम रहते हैं। हेल्दी डाइट को अपनाइए, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए, आप इसके कारण आप भी स्वस्थ होंगे, आपका प्रोस्टेट भी होगा स्वस्थ, और प्रोस्टेट के ठीक रहने से आपके किडनी की बीमारियां आप पर हावी नहीं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की टॉपिक इसी जगह समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो और उन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपका आज का दिन अच्छा गुजरे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।